सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। सर जी, यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, ये कैसे हुआ है, कितने देर से ड्राइवर इसमें फंसा हुआ था? ये करीब 4 बजे के आसपास एक गाड़ी जो सामने खड़ी है ये पीछे की तरफ से आ रही थी, रॉन्ग साइड में थी, और सामने से बालू की गाड़ी आ रही थी, दोनों की आपस में टक्कर हो गई और टक्कर में ड्राइवर फंसा हुआ था। गाँव वालों की मदद से, क्रेन की मदद से, और काफ़ी मेहनत के बाद अभी मुश्किल से 10 मिनट पहले उसको निकाला गया है। ड्राइवर सक्सेस है, पैर में थोड़ी बहुत चोटें हैं, बाकी इलाज के लिए उसको भेजा गया है। इसमें किसकी लापरवाही मानी जा सकती है? लापरवाही तो सामने वाली गाड़ी वापस आ रही है, जो रिटर्न आ रही है वो गलत रास्ते से, सामने से बाई तरफ से ये सामने वाली गाड़ी थी, तो जरूर इसी गाड़ी की दिक्कत है। बता रहे हैं कि ये यहाँ से निकली हुई है बगल से। ड्राइवर की क्या स्थिति है? ड्राइवर ठीक है, शरीर पे ऊपरी भाग में थोड़ा सा चेहरे पे चोट है। लगभग कितने देर के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ड्राइवर को सकुशल निकाला गया? लगभग 3 घंटे, 3 से 4 घंटे के बीच में, 4 बजे के आसपास हुआ था, तो अभी 7 बज रहे हैं, लगभग 3 घंटे, लेकिन ड्राइवर ठीक है और अन्य विधिक कार्रवाई। और परिचय बता दें। नाम मेरा है जयप्रकाश दुबे, आरटीओ हूँ, पेट्रोलिंग अधिकारी NHI का, और इधर तो भोर में हम लोग लगभग 4 बजे राउंड लेकर के गए थे, तो हमको मैसेज मिला कि ड्राइवर फंसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग यहाँ आए, लगभग 4:30 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3-3.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में उसको निकाला गया है। माइनर माना जाएगा ड्राइवर को, सर में चोट है और पैर में। क्या कारण था कि 2 घंटे, नियर अबाउट 3 घंटे आपको लग गए और रेस्क्यू ऑपरेशन करने में? और दरअसल कारण क्या है कि ये जो बल्कर गाड़ी है इसका केबिन होता है, केबिन जो है डैमेज पूरा चिपक गया था, उसमें ड्राइवर फंसा हुआ था, तो दोनों तरफ से लगा करके क्रेन को धीरे धीरे उसको चौड़ा किया गया है और निकाला गया। ड्राइवर की क्या स्थिति है? ड्राइवर की स्थिति ये है कि अब तो डॉक्टर बताएंगे, लेकिन देखने से तो ठीक लग रहा है, बोल रहा है ड्राइवर, सर में चोट है और पैर में चोट है। अरे यार रुको, तुम काम करने दो ना, आराम से और लग जाए, चलो सहारा दे दे भैया। यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।